नमस्कार दोस्तों, सफलता सुविद्या एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर नरेश चौधरी। दोस्तों, हम प्राचीन भारतीय इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के जो स्रोत हैं, ये पहला टॉपिक है, इसके हमने वीडियो बनाए हैं। तो प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के जो स्रोत हैं, उनमें पहले मैंने जो वीडियो बनाए वो पुरातात्विक स्रोत जो होते हैं उनका हमने अध्ययन टॉपिक वाइज एक एक वीडियो में किया था। उसमें सिक्के, अभिलेख, अवशेष, भवन, मूर्तियां इत्यादि के अलग अलग वीडियो बना के मैंने उसको डिटेल में आपको बताया है, जो हमारे सफलता सुविद्या एजुकेशन की साइट पे आपको मिल जाएंगे। आज जो हम अध्ययन कर रहे हैं वो साहित्यिक स्रोत पे हम चर्चा कर रहे हैं। साहित्यिक स्रोत में अभी तक मैंने जो पिछले वीडियो में जो बताया है, वेद, उपवेद, इनका वो विवरण मैंने दे दिया है। इसके अलावा ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ, इनका भी विवरण मैंने दे दिया है। उपनिषद का भी विवरण दे दिया है। आज जो हम पढ़ेंगे वो स्मृतियों का अध्ययन हम करेंगे। तो स्मृतियों का अध्ययन प्रारंभ करने से पहले मैं आपको स्मृति क्या होती है उसके बारे में कुछ जानकारी दे देता हूँ कि स्मृतियाँ के लिए धर्मशास्त्र का भी प्रयोग होता है। स्मृतियाँ और धर्मशास्त्र एक ही है, मतलब धर्म से संबंधित जो शास्त्र बने थे वो स्मृतियों में। स्मृति याददाश्त के आधार पर लिखे गए साहित्य थे, इसलिए इनका नाम स्मृतियाँ पड़ा। स्मृतियों से तत्कालीन समाज के विभिन्न कार्यकलापों पर प्रकाश पड़ा है। प्रमुख स्मृतियाँ हैं मनुस्मृति, यज्ञकल्य स्मृति, पराशर स्मृति, नारद स्मृति, बृहस्पति स्मृति, कात्यायन स्मृति तथा गौतम स्मृति। ये कुछ प्रमुख स्मृतियां हैं। सबसे प्राचीन स्मृति मनु की है। इसका रचना काल ईसा पूर्व 200 से 200 ईस्वी के बीच का माना जाता है। आपस्तम, बौद्धायन, गौतम के धर्म सूत्र सबसे प्राचीन माने जाते हैं। धर्म सूत्र मतलब स्मृतियां। तो कहीं एग्जाम में स्मृति की जगह धर्मशास्त्र का भी प्रयोग हो सकता है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, स्मृतियां और धर्मशास्त्र एक ही है। धर्म सूत्रों में ही सर्वप्रथम वर्ण व्यवस्था का वर्णन मिलता है। ये मैं आपको जानकारी दे दूं, सबसे पहले जो वर्ण व्यवस्था का उल्लेख हमारे इतिहास में हुआ है वो सूत्रों में हुआ है, सूत्रकाल में। सूत्रकाल भी कहते हैं, या धर्म सूत्र या स्मृतियों में चारों वर्ण जो है उनका उल्लेख मिलता है। कालांतर में धर्म सूत्रों का स्थान स्मृतियों ने ग्रहण कर लिया। ये मैं बता ही रहा हूँ आपको कि दोनों एक ही है। स्मृतियों का शाब्दिक अर्थ होता है याद किया हुआ, जो याददाश्त पर आधारित होता है, ठीक है। नारद स्मृति का काल 300 ईस्वी से 400 ईस्वी के बीच माना जाता है। पराशर स्मृति का काल इतिहासकारों ने 300 ईस्वी से 500 ईस्वी के बीच बताया है। इन दोनों स्मृतियों से गुप्त काल के सामाजिक धार्मिक जीवन पर प्रकाश पड़ता है। अब हमें गुप्त काल के इतिहास की जानकारी अगर जाननी हो तो नारद और पराशर स्मृति से हमें इसकी जानकारी प्राप्त होगी। तो ये एक ऐतिहासिक स्रोत है, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, प्राचीन हिस्ट्री के प्रमुख स्रोत हैं ये स्मृतियाँ। बृहस्पति स्मृति 300 ईस्वी से 500 ईस्वी और कात्यायन स्मृति 400 ईस्वी से 600 ईस्वी का काल माना जाता है। इतिहासकारों ने इसका काल विभाजन किया है और इन स्मृतियों से भी गुप्त काल की जानकारी हमें प्राप्त होती है। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि गुप्त काल में किन स्मृतियों की रचना हुई है, गुप्त काल के इतिहास की जानकारी किन स्मृतियों से होती है, तो नारद, पराशर और कात्यायन, बृहस्पति, ये चारों स्मृतियां हैं जो गुप्त काल के इतिहास के अध्ययन में महत्वपूर्ण है। प्रमुख स्मृति ग्रंथ आपके सामने हैं मनुस्मृति, व्यास स्मृति, लघु विष्णु स्मृति, आपस्तम स्मृति, वशिष्ठ स्मृति, पराशर स्मृति, बृहत पराशर स्मृति, अत्रि स्मृति, लघुशंग स्मृति, विश्वामित्र स्मृति, यम स्मृति, लघु स्मृति, वृहदम स्मृति, लघु शाताप स्मृति, ये प्रमुख हैं। इसके अलावा गौतम, वशिष्ठ आदि भी है जो मैं आपको बता ही चुका हूँ। फिर बृहत शतापत स्मृति, शाताप स्मृति, बृहत गौतम स्मृति, बृहस्पति स्मृति, यज्ञकल्य स्मृति, बृहदोगी यज्ञकल्य स्मृति, ये प्रमुख 20 स्मृति है। कई बार इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि निम्न में से कौन सी स्मृति है, तो ऐसे चार ऑप्शन दिए जा सकते हैं, मनु, व्यास, लघु, आपस्तम, वशिष्ठ, पराशर, इनमें से कोई भी एक देके आपको पूछा जा सकता है। अन्य
तीन ऑप्शन में अन्य पुस्तकों के नाम आ सकते हैं, तो ये भी प्रश्न बनता है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। और स्मृति का अर्थ याद किया हुआ होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। और स्मृति और धर्मशास्त्र एक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। आगे मनुस्मृति के बारे में मैं आपको बता दूं, डॉक्टर व्यूहर जो प्रमुख विद्वान थे उनके अनुसार मनुस्मृति की रचना 200 ईस्वी पूर्व हुई व अन्य स्मृतियों की रचना इसके पश्चात हुई, ये आप ध्यान रखिएगा। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि किसने कहा था कि मनुस्मृति की रचना 200 ईस्वी पूर्व हुई और अन्य स्मृतियों की रचना उसके बाद हुई, तो व्यूहर डॉक्टर ये अंग्रेज विद्वान है। मनु विष्णु और याज्ञिकल्य नारद स्मृति ये धर्मशास्त्र है, ठीक है। मनुस्मृति, मनुस्मृति में क्या बताया, समाज के संचालन के लिए जो व्यवस्थाएं दी है उन सब का संग्रह मनुस्मृति में है, अर्थात मनुस्मृति मानव समाज का प्रथम संविधान है, न्याय व्यवस्था का शास्त्र है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, हिंदू विधि मतलब हमारा जो हिंदू लॉ है, हिंदू विधि पर सबसे प्रमाणिक पुस्तक मनुस्मृति को माना जाता है। इसे ब्रिटिश राज के समय अंग्रेजों ने मान्यता दी थी, क्योंकि अंग्रेज आए थे, उन्होंने यह राज किया, लेकिन वो अपने लॉ यहाँ पे नहीं लगा सकते थे। उन्हें पता था कि विरोध ज़्यादा होगा अगर हम ब्रिटिश लॉ यहाँ लगाएंगे, तो उन्हें इस बात की जानकारी चाहिए थी कि हिंदुओं के लिए किस तरह के कानून होते हैं, प्राचीन समय में किस तरह के कानून थे। तो उसके लिए उन्होंने मनुस्मृति और याज्ञिकल्य स्मृति का सहारा लिया। मेजर बुक इसमें मनुस्मृति है, मनुस्मृति को पढ़ने से उनको पता पड़ा कि प्राचीन काल में किस तरह के कानून यहाँ प्रचलित थे, उसी को आधार बनाकर उन्होंने नए कानून की रचना की। तो ये फर्स्ट लॉ बुक भी मान सकते हैं हिस्टोरिकल, मनुस्मृति बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है ये। याज्ञिकल्य स्मृति, मनुस्मृति के आधार पर ही आगे चलकर महर्षि याज्ञिकल्य ने धर्मशास्त्र का निर्माण किया, मतलब स्मृति का निर्माण किया, जिसे याज्ञिकल्य स्मृति के नाम से जाना जाता है। अंग्रेजी काल में भी भारत की कानून व्यवस्था का मूल आधार मनुस्मृति और याज्ञिकल्य स्मृति रहा है, ठीक है दोस्तों। अच्छा, एक महत्वपूर्ण बात मैं और यहाँ बताना चाहूँगा आपको कि मनुस्मृति में ही सबसे पहले चार आश्रम बताए हैं, ठीक है। वो चार आश्रम आज भी प्रचलित है, ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा गृहस्थ आश्रम, तीसरा वानप्रस्थ आश्रम और चौथा संन्यास आश्रम। तो प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि चारों आश्रमों की व्यवस्था किस ग्रंथ में बताई है, तो आपको मनुस्मृति लिखना है। तो ये याद कर लीजिए, चार आश्रम की व्यवस्था मनुस्मृति में सर्वप्रथम बताई थी। तो इस प्रकार ये स्मृतियाँ भारतीय इतिहास को जानने के लिए एक लिटरेचर सोर्स, साहित्यिक स्रोत के रूप में बहुत महत्वपूर्ण है, स्मृति पर आधारित है। तो इसे आप ध्यान रखिएगा, इसमें से अवश्य कोई प्रश्न आएगा। मेरी तरफ से शुभकामनाएं आपको, सफलता एजुकेशन की तरफ से धन्यवाद। बने रहिए हमारे साथ, आगे और टॉपिक लेके आएंगे जल्दी। धन्यवाद।